Good morning, children. Welcome to the English class. Today I am here to teach you small letters Z. Capital Z आपने already nursery में कर लिया है. आज हम पढ़ेंगे बेटा small Z के बारे में. सबसे पहले हम इसकी sound देखेंगे. Z से z z z as in zebra. अब हम Z से related pictures देखेंगे. Z for zoo. चिड़ियाघर में जाते हैं ना आप मम्मा पापा के साथ, जहाँ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? जू. जेड फॉर जीरो. जीरो मीन्स नथिंग. जेड फॉर जिप. आपके बैग में शर्ट में लगी होती है ना ये जिप. जेड फॉर जिग जैग. अब देखेंगे हम जेड को लिखेंगे कैसे. वी हैव फोर लाइन्स इंग्लिश के लेटर बेटा. कैपिटल लेटर को हम फर्स्ट थ्री लाइन्स में लिखेंगे. फर्स्ट हम एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे ऐसे लाइक दिस. Then we'll make a slanting line like this and again we will make a sleeping line. ये first three lines में लिखा जाएगा बेटा. Again, look here children. First we will make a sleeping line, then we will make a slanting line like this and again we will make a sleeping line like this. ठीक है, अब हम देखेंगे हम small z कैसे बनाएंगे. Small z बीच की दो लाइनों में लिखा जाएगा, ये किन यानी कि second to third line तक. We'll make a sleeping line like this. Again, we will make a slanting line. Again, we will make a sleeping line. Look here. First, हम बनाएंगे sleeping line. फिर then again slanting line. Again, we'll make a sleeping line. Capital Z, small Z एक ही तरह से लिखे जाते हैं बेटा. But capital Z हम three lines में लिखते हैं. Small Z हम बीच की two lines में लिखते हैं. Second to third. अब देखिए, we have a exercise. Now we will do this exercise. सर्कल द पिक्चर्स दैट बिगिन विद जेड. इसमें से बेटा जो पिक्चर्स जेड से स्टार्ट होती हैं उसको हम सर्कल करेंगे. वट इज़ दिस? डी फॉर डक. ये तो जेड से स्टार्ट नहीं होती है. वट इज़ दिस? येस, जेड फॉर ज़ेब्रा. इसको हम सर्कल करेंगे लाइक दिस. इस तरह से बेटा इसमें से जो जो पिक्चर्स जेड से स्टार्ट होती हैं उसको आपने सर्कल करना है, बाकी को लीव कर देना, बाकी को सर्कल नहीं करेंगे. Now we have next exercise. Say the names of each picture, then join the pictures that begin with Z sound. इसमें से हमने बेटा सबको रीड करना है, बट ज्वाइन उसी को करना है जो कि Z से स्टार्ट होगी. What is this? M for mug. M for mango. ये तो Z से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम इनको ज्वाइन नहीं करेंगे. B for butterfly. Z for zigzag. And Z for zero. Yes. तो हम zero को zigzag से ज्वाइन कर देंगे. Z for zebra. Z for zip. तो सिर्फ Z वाली ही पिक्चर्स को हम, Z साउंड है जिसका, उसको ही हम ज्वाइन करेंगे, बाकी को हम ज्वाइन नहीं करेंगे. Now we have next exercise. Underline Z in the words. इन वर्ड्स में बेटा हमने सिर्फ लेटर Z को अंडरलाइन करना है. Q U I Z. Z सिर्फ Z को इस तरह से अंडरलाइन करेंगे. जेड आई पी. इसमें जेड फर्स्ट नंबर पे आना ना, सिर्फ जेड को अंडरलाइन करें लाइक दिस. तो इनमें से बेटा आपने सिर्फ जेड लेटर को अंडरलाइन करना है, बाकी को लीव कर देना, बाकी को अंडरलाइन नहीं करना है. ओके, और फिर आप मैम को सेंड करेंगे. गुड बाय चिल्ड्रन. थैंक यू.